भारतीय और उर्दू के महानतम भारतीय लेखक मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद ने 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां, 3 नाटक समेत कई बाल पुस्तकों की रचना की। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। आज ही के दिन 1940 में महान स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह शहीद हुए थे। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर को गोली मारा था। जनरल डायर ने ही 1919 में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हुए जलियांवाला बाग कांड को अंजाम दिया था। आज ही के दिन 1980 में हिंदी फिल्म के पार्श्व गायक मोहम्मद रफी का मुंबई में निधन हुआ था। मोहम्मद रफी को उनके रोमांटिक गीतों के लिए भी जाना जाता है। उन्हें 6 फिल्मफेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था। आज ही के दिन 1991 में अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिनमें परमाणु हथियारों के भंडार को एक तिहाई करने पर सहमति बनी थी। मॉस्को में हुई इस संधि पर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव ने हस्ताक्षर किए थे। आज ही के दिन 1995 में भारत में पहली बार मोबाइल फोन के जरिए बातचीत की गई थी। पहला मोबाइल फोन का कॉल पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने तत्कालीन केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम को किया था। और अब बात उन खबरों की जिन पर आज रहेगी सबकी नजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गांबिया